आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं लाल भाजी। इसे एमपी और छत्तीसगढ़ में ज्यादातर बनाया जाता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लाल भाजी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 500 ग्राम मैंने लाल भाजी ली थी। लाल भाजी को साफ करके एकदम बारीक बारीक कट करके दो तीन बार अच्छे से धो करके रख लिया है। तब चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे भाजी में, और अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल से भी इसे बना सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 इंच अदरक लिया था, अदरक को ग्रेट करके लिया है। अगर आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। 10 से 12 मैंने लहसुन की कली ली थी, इसे भी ग्रेट करके लिया है। जब भी आप लाल भाजी बनाएं आपको इसमें लहसुन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करना है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भाजी में। तो 1 सेकंड के लिए अदरक और लहसुन को हम भून लेंगे। अदरक लहसुन को मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब 3 मैंने तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है, इन्हें 2-2 पीसेज में कट करके लिया है, तो इसे भी ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पर सूखी लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे, उसे भी ऐड कर देंगे। और अब प्याज अदरक लहसुन मिर्ची को हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। भाजी में आपको लहसुन और प्याज का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भाजी में। प्याज भी हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, प्याज को बस आपको इतना ही भूनना है। अब 1 मैंने बड़े साइज़ का आलू लिया था, बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके लिया है, तो इसे भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना बिना आलू के भी आप भाजी बना के तैयार कर सकते हैं। अब आलू को हम 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके ऐसे ही भूनने देंगे, इससे आलू हमारे 50% पक भी जाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, आलू को भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक आलू को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, जब हम इस तरीके से आलू को कट कर रहे हैं तो आलू हमारा कट हो रहा है, 50% आलू हमारे कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें हमने तीखी वाली हरी मिर्च का यूज़ किया है। मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो भाजी में हल्दी को स्किप भी कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए अच्छे से मसालों को भून लेंगे, जिससे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसालों को भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है, तब हम इसमें भाजी ऐड कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे भाजी को। अभी ये भाजी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जब भाजी हमारी 1 से 2 मिनट के लिए पक जाएगी तो ये अपने आप ही कम हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आलू और भाजी को एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन जब आप आलू और भाजी को एक साथ डालेंगे तो आलू आपके पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं और भाजी आपकी बहुत जल्दी पक जाती है। तो आप इस तरीके से आलूओं को पहले ही 2-3 मिनट के लिए पका लें, उसके बाद ही इसमें भाजी ऐड करें। भाजी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब 2 मिनट के लिए भाजी को हम ऐसे ही कवर करके पकने देंगे। गैस को लो टू मीडियम ही रखना है आपको। 3 मिनट हो चुके हैं, तो भाजी को भी एक बार चेक कर लेंगे। एक बार वापस से अच्छे से चला देंगे भाजी को, और ये देखिए भाजी भी हमारी हल्के सॉफ्ट होने लगी है। बहुत ही कम टाइम लगता है ये भाजी को पकने में। भाजी को हमने एक बार अच्छे से चला दिया है। अब भाजी को हम वापस से कवर करके 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आप चाहें तो बिना कवर करके भी पका सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से कवर करके भाजी को पकाएंगे तो भाजी आपकी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए भाजी भी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे भाजी को। अब 1 मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे भी ऐड कर देंगे। टमाटर को नीचे कर देंगे और ऊपर से इसे भाजी से कवर कर देंगे, जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 1.5 मिनट हो चुका है, तो टमाटर को भी एक बार चेक कर लेंगे। और ये देखिए टमाटर भी हमारे कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे टमाटर को भाजी के साथ में। इस तरीके से आप दबा दें और भाजी के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है टमाटर को। टमाटर को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बहुत ही टेस्टी चटपटी हेल्दी सी लाल भाजी हमारी तैयार है। तो गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और अपनी भाजी को सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी चटपटी हेल्दी लाल भाजी हमारी तैयार है। आप इसे रोटी पराठा या फिर चावल किसी के भी साथ में गर्म गर्म सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। तो एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे
पहले मिले तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।